कितने लोग आपके साथ हैं? चार लोग। जी जी। तो अभी आपको बेस कैंप से चंदनवाड़ी की ओर रवाना किया जा रहा है, कितने बेचैन हैं आपके बाबा के दर्शन जल्दी हो जाएं? बेचैनी तो सबको रहती है, इतने मुश्किलों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए तो बेचैनी तो रहेगी ही। अच्छा। लेकिन बस अब ये है कि जल्दी से पहुंचे और दर्शन हो जाए बाबा की। व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुत बहुत बढ़िया है, अभी तो फर्स्ट है, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता भी है और है भी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो मन में कौन सी मनोकामना लेके जा रहे हैं आप? मनोकामनाएं तो बहुत है, फिर गुप्त रहती है कुछ क्षण वो सिर्फ बाबा ही जानेंगे, दूसरा थोड़े यही है। बढ़िया है सब, बहुत बढ़िया। कितने लोग आपके साथ हैं? 9 लोग हैं। 9 लोग जी। अभी आप पहलगाम बेस कैंप में थे, तो अभी आपको रवाना किया जा रहा है चंदनवाड़ी की, और कितनी उत्साह मन में हो रही है कि बहुत बाबा के दर्शन जल्दी हो? बहुत उत्साह से भरपूर है हम, और बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और बाबा पार लगाते हैं सबका। बहुत BSF की भी सुविधा यहाँ पे बहुत है, और सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर रखे हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है कश्मीर में और बाबा के आके। ये बताइए, मन में कौन सी मनोकामना लेके जा रहे हैं? मनोकामना है जो बाबा को बताएंगे, यहाँ पे प्रकट नहीं कर सकता। जी सर, कोई खास मनोकामना लेके जा रहे हैं? हाँ, ऐसे कोई मनोकामना है नहीं, बाबा सब जानते हैं, बाबा सबका बेड़ा पार करते हैं, वही लगाएंगे पास। बम बोले, बम बोले, बम बोले। सबसे पहले तो मैं रांची से आया हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर सरकार को बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, और यहाँ के लोकल प्रशासन का, लोकल पुलिस और लोकल जितने भी यहाँ के बासिंदे हैं, उन्होंने बहुत सेवा की है। अच्छा टेंट, अच्छा खान पान, लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी व्यवस्था मिलती है हमारे को, बहुत अच्छी मिलती है। हर भंडारे में व्यवस्था अच्छी मिल रही है, साफ सफाई व्यवस्था अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। कौन सी मनोकामना लेके जा रहे हैं? हम मनोकामना जो भी लेके जाते हैं हमारी पूरा करते हैं बाबा जी।